देखेंगे पूरी, आपको एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है दिया यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया से हूँ मैं, और यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया मेरी पिछली यूनिवर्सिटी थी, उसको मैं बड़ा मिस करता हूँ। होप सो यूनिवर्सिटी वाले मुझे मिस करते होंगे। चल झूठा जान एनदर व्लॉग। और आज यूनिवर्सिटी में एक और दिन के साथ शुरुआत करते हैं, आज यूनिवर्सिटी के अंदर से स्टार्ट करते हैं। आज सीन ऐसा कि अभी भी बारिश हुई है, हल्की है, बारिश ख़त्म हुई है, तो आज मैं आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो जो आने वाले जनरल टेक के स्टूडेंट्स हैं उनको फ़ायदा होगा, मुझे भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा, सबके फ़ायदे लेके चलने हैं, साथ नुकसान भी साथ लेके चलने हैं। बैदल अंदर वेट कर रहा है मेरा, अब वीडियो में साथ रहेंगे तो आपको बताऊंगा, यूनिवर्सिटी भी थोड़ी दिखा दूंगा जो जो चीज़ें नहीं देखी। ये देखें वेदर प्यारा है, बारिश हुई है, साथ ही धूप निकल आई है। रुक जाए, मुझे अंदर जाने दे, मेरी क्लास थी, क्लास लेके भी निकला हूँ मैं जी, तो वापस आता हूँ मैं। मेरी शक्ल देख के आप बोर हो गए होंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको यूनिवर्सिटी का एक अच्छा अच्छा व्यू दिखा दूँ। ठीक है, बारिश हुई है, वेदर देखें सर्दी है यहाँ पे, और मेरे ये देखें ये मैंने जैकेट लगी हुई है, ये मेरा सीन है। खैर फोन आ रहा है, फ़ोन सुन लो मैं जी। तो मैं आपको बता ये रहा था कि जन्मदिन डे का आने वाला है, कुछ ही टाइम रह गया, थोड़ा सा टाइम रह गया है, और कैश लेटर इशू हो गए हैं, लोगों के इंटरव्यू होना स्टार्ट हो गए हैं, जिसके इंटरव्यू हो गया गुड एंड वेल, जिसका नहीं हुआ वो तैयारी करे, वो भी क्लियर हो जाएगा। और एक आप स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो कि आप सुनेंगे खुश भी होंगे एक साइड पे, अच्छी भी। आपको पता होगा इधर का प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गया है, ये भाई जान क्लास लेके आए हैं, कैसी रही क्लास? बंद कर दे, नहीं बता कैसी रही। ओके, उबैद साहब की क्लास हुई यार, उबैद साहब लेट से, चले मिलते हैं, थोड़ी बातें कर ले फिर आपसे वापस आते हैं जी। तो वापस आता चलता हूँ, देखते कितना मज़े का मौसम है। तो यहाँ पे मैं उसको छोड़ा है, यहाँ पे छोड़ के मेरी क्लास नहीं ठीक। हाँ मैं आपको क्या बता रहा था, बता ये रहा था कि जनवरी डे का लोगों के लिए खुशखबरी है, जो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, कुछ लोगों को फ़ायदा भी है। आपको पता होगा कि रिसेंटली यूके का प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ है, ऋषि नाम का एक इंडियन नहीं है वो, उसकी हिस्ट्री थोड़ी सी, ऋषि नाम से आप समझ होंगे कि इंडियन है, लाइक वो इंडियन नहीं है, वो इस तरह का सीन है कि वो, मुझे इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, जहाँ तक है मैं वहाँ तक आपको बताता हूँ। उसी ने ये कुछ रूल अभी पास हो गया है, मतलब कि इतना तो कंफर्म हो गया है कि स्टूडेंट्स के लिए क्या बेनिफिट्स हैं। ओहो सॉरी मैं इधर जान रहा, सॉरी। अच्छा ऋषि न्यू प्राइम मिनिस्टर तो का बना है, क्योंकि इनका जो लास्ट थी ना अली से वो रिज़ाइन दी गई थी, उसकी वजह ये थी कि उसको क्या मसले थे उसको, हाँ उसे नहीं संभाली गई इस्टेब्लिशमेंट, इधर पाकिस्तान वाला सीन ही है कि लेके बैठे रहो, हाँ इधर सीन ये है नहीं आता, अल्लाह हाफिज़ घर जाओ। खैर ऋषि आया है, उसने कुछ इमिग्रेशन के ऊपर नज़र डाली है, स्टूडेंट्स के ऊपर, और जनवरी टेक वालों के लिए ये खुशखबरी है कि आने वाला जो जनवरी टेक है उसमें हमें 20 आवर्स अलाउ होते हैं ऐसे ही, लेकिन अब ऐसा सीन नहीं रहा। यूके में यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर में अब ऐसा सीन नहीं रहा, किधर जा रहा हूँ किधर आ रहा हूँ कुछ पता नहीं है। खैर ये हमारी मेन बिल्डिंग है, सारी क्लासेस वगैरह। अच्छा मैं आपको बता रहा था कि जो भी नया स्टूडेंट है, न्यू स्टूडेंट के लिए एक खुशखबरी है, जेन्युइन टेक के लिए वो वीक में 20 आवर्स पहले अलाव थे, अब फुल टाइम अलाव है, आप जितना मर्ज़ी 20 घंटे 40 घंटे जितना हो सकता है काम कर सकते हैं। न्यू अनाउंसमेंट है, दो तीन दिन पहले ही हुई है, मेरे को स्टूडेंट को नई अपडेट दे दें, यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर जनरल टेक में जो जो आ रहा है जिसका इंटरव्यू क्लियर हो गया है, कैश थोड़ा लेट हो रहा है
उसकी वजह यह है इधर के थोड़े गवर्नमेंट के जो जब तक पता है फैसला कहाँ दे तो ये नहीं चलाते। अभी तक जेन्युइन टेक का वो जो होता है ना कैश आ जाता है। खैर इस बार थोड़े से डिले इसलिए हो रहे हैं कैश कि इनकी हुकूमत थोड़ी सी चेंज हुई है, उसमें नए रूल लाएंगे। नए रूल पहला रूल ये आया कि ऋषि ने 20 घंटे से बढ़ा दिया टाइम, जितने मर्जी घंटे आप काम कर सकते हैं जहाँ पर मर्जी जैसे मर्जी। तो वो काम NI पे होगा या दूसरी तरह होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह होगा। पहले अगर किसी स्टूडेंट को इंटरव्यू का मसला है तो मेरे से रब्ता करें, मैं बता सकता हूँ थोड़ी जहाँ तक मेरे से हेल्प होगी मैं करूँगा। आप स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, 20 घंटे 30 घंटे 40 घंटे जितना मर्जी काम करो। इस साथ साथ मैं आपको यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्ड शहर के अंदर से भी सारा दिखा रहा हूँ ताकि जिन्होंने आना है उन्हें मसला ना हो। यहाँ से ID कार्ड कलेक्ट करते हैं और BRB कार्ड कलेक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये वो एरिया है, बाकी मैं मिलता हूँ आपसे, मेरे साथ ही रहिएगा। हाँ जी, तो वेलकम बैक, वापस आते चलते हैं आपके पास। मैं आपको क्या बता रहा था, बता ये रहा था कि जनवरी इनटेक में जो यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्ड शहर के इंटरव्यूज हैं, खैर जिन्होंने क्लियर कर लिए उनको कैश आने वाला होगा। या क्योंकि अब इन्होंने थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन ये कर दी है कि पहले ये डायरेक्ट कैश देते थे, अब ये पहले अब कैश शीट अपलोड करते हैं, उसके अंदर आपने खुद अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, वो वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई के बाद जाके, क्योंकि पिछले दिनों कुछ फ्रॉड वगैरह हुए हैं, लोगों ने जाली डिग्रियों से यहाँ आए हुए हैं, तो जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्टनेस हो गई है, कैश लेटर थोड़े लेट आएंगे। आप शीट पे अपलोड करेंगे उसके बाद जाके आएंगे। हाँ खैर, ये सिनेरियो मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। दूसरा सिनेरियो ये है कि मैं आपको बता रहा था जनवरी इनटेक में जो स्टूडेंट आएंगे उनको 24/7 वर्क अलाउ होगा। इधर की जो गवर्नमेंट, जो ऋषि आया है नया PM, उसने 2-3 फैसले अभी किए हैं रिसेंटली। एक इमिग्रेशन के लिए उसने आवाज़ उठाई है और दूसरा स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स के लिए इसलिए उठाई है क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो आते हैं NI पे काम नहीं करते, वो दूसरा काम करते हैं। तो उसने क्या है कि जितने लोग ज़्यादा काम करेंगे, जितना टैक्स पे होगा उतनी इनकी इकोनॉमी ऊपर जाएगी, जिसकी वजह से ऑल स्टूडेंट जनवरी इनटेक वालों के जो जो UK आ रहे हैं सबके लिए यही है कि वो 24/7 काम कर सकते हैं, काम का कोई मसला नहीं है। ये देखें, ये मेरी यूनिवर्सिटी का मेन बोर्ड है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है कि मैं खुद भी चलने से कासिर हूँ, थक जाता है बंदा एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं। वो जो मैंने आपको अंदर बिल्डिंग दिखाई है वो CS का डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर साइंस का और BBA का। वो जो सामने बिल्डिंग है वो है आर्ट मीडिया साइंसेस के, और जो लेफ्ट साइड पे है वो कोने वाली शीशे वाली बिल्डिंग वो है डिज़ाइन फैशन डिज़ाइनिंग का है, समथिंग ये आर्किटेक्चर का है। इसी तरह इनके ब्लॉक्स बने हुए हैं। तो आज मैंने आपको कंप्यूटर साइंस और BBA वालों का डिपार्टमेंट दिखाया है, और ये हमारी मेन बिल्डिंग है, उस साइड पे कैफेटेरिया है। आप मेरे साथ रहिएगा, मेरी वीडियो को देखते रहिएगा, वीडियो को तो मेरी वीडियो को देखेंगे पूरी। आपको एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है दिया, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया से हूँ मैं, और यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्ड शहर, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया मेरी पिछली यूनिवर्सिटी थी, उसको मैं बड़ा मिस करता हूँ। होप्स यूनिवर्सिटी वाले मुझे मिस करते होंगे। बाकी ये सारा सीन है, मेरी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है, इंफॉर्मेटिव है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। आने वाले टाइम पे जो जो इन्फॉर्मेशन अबाउट UK और अबाउट माई लाइफ जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। मेरे साथ रहिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।